हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। आज भी जन्माष्टमी है, कल भी है। आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और काफ़ी लोगों ने आज भी व्रत करा है और हम तो कल करेंगे, आपको दिखाएंगे। चलिए चलते हैं मार्केट जन्माष्टमी की शॉपिंग करने, आपको दिखाते हैं। चलिए हमारे साथ। देखिए शिवानी गाड़ी वापस करने आई है, अब नई ले रही है। इसकी पुरानी वाली वॉच ख़राब हो गई थी, दूसरी वॉच ले ली, वो तो खराब हो गई। इसकी पहली वाली वॉच बहुत अच्छी थी, वो भी यहीं से ली थी। चलिए अब क्या दूसरी लेगी, है ना? दिखाते हैं कि वॉच लेने के बाद आपको। चलिए चलते हैं विशाल में। बहुत सही हो रही, ऊपर ही है विशाल था। बोली मम्मी चलो शॉप देखते हैं साथ। नहीं चलो, टाइम तो पास करना ही है। देखिए कितनी सारे कपड़े हैं और गर्म कपड़ों में तो बहुत ही सेल चल रही है। प्लीज़ जो यहाँ आसपास हो जरूर आएँ और मौके का फ़ायदा उठाएं। देखिए ये है मेरे मतलब के कपड़े, ये देखती हूँ। चलिए फिल कराते हैं जो थोड़ा बहुत सामान लिया है यहाँ से। देखिए कितना सामान हो गया, लेने तो थोड़ा बहुत ही आए थे, बल्ले हमने फूट लिया। हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है कृष्ण जन्माष्टमी। आज हम लोग आज कर रहे हैं 7 तारीख की। ये देखिए मैंने भगवान जी को नहला धुला के नए वस्त्र पहना दिए हैं और सब तैयारी है, इनका झूला भी रेडी है। रात को जब भगवान का जन्म करेंगे तो इसमें अपने कान्हा जी को झुलाएँगे और अब बस तैयारी में लगे हुए हैं, अब पंजीरी वगैरह बनाएंगे। चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। आप सबको फिर से एक बार हार्दिक शुभकामनाएं जन्माष्टमी की मेरे परिवार की ओर से। देखिए हमारा शिवांगी का व्रत है तो हमने अपनी चाय बना ली है और साथ में हमने मखाने और काजू मिक्स करके कर लिए हैं, तो खाते हैं अभी चाय के साथ। और मूंगफली करेंगे, फिर पंजीरी बनाएंगे, तो आप आ जाइए हमारे साथ चाय पीने। ये देखिए हमारी चाय भी बिल्कुल रेडी है। देखिए ये हमने दिन में फरार बनाया, अपने कान्हा जी को भोग लगाया और अब बच्चों को देती हूँ खाने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं पंजीरी बनाऊँगी। मैंने सब अंदाज से लिया, मैं कोई मेजरमेंट नहीं करती हूँ। ये है मखाने, मैं चरणामृत में डालूँगी, चरणामृत भी कम बनाऊँगी क्योंकि कोई नहीं खाता रात में 12 बजे। और ये कतली है और हरीरा बनाऊंगी। बस अब आज एक ही सारी मिक्स कतली बनाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं कतली बनाना। उसके लिए मैंने देखिए क्या क्या लिया, गोला, मखाने, किशमिश, चिरौंजी, गोंद, खरबूज के बीज, बादाम, काजू और ये मैं चरणामृत के लिए मैंने थोड़ी सी मेवा कसी है घी। चलिए करते हैं गैस स्टार्ट। गैस स्टार्ट कर दी हमने। अब इसमें लकड़ी के स्पून से तो नहीं बनेगा, इसलिए मैंने स्टील की चम्मच ली है। और अब हम इसमें डालते हैं थोड़ा घी। यह है गाय का घी। अब इसमें हम सारी मेवाएं तलेंगे।
चलिए सबसे पहले डालते हैं काजू। कोई मैंने नाप नहीं लिया है, सब अंदाज से बनाया, थोड़ा थोड़ा डाल के। चलिए मिलते हैं काजू भुनने के बाद। आज पूरा दिन हो गया किचन में मुझे, और अब दिन के 4 बज रहे हैं तो मैं कतली बनाने आई हूँ। चलिए मिलते हैं, मैं भी काजू भून लूँ। देखिए काजू भून रही हूँ, खुशबू बहुत अच्छी आने लगी। ये सारी मेवाएं मैं पहले इनको भून लूँगी घी में, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। देखिए अब मैंने इसमें बादाम डाल दिए, सब काजू भुन चुके हैं। ये है गोल, इसी सारी ड्राई फ्रूट से मैं हरीरा बनाऊंगी थोड़ा सा, बस एक कटोरी। कोई नहीं खाता, निष्ठा थी तो वो खाती थी मैं, और निष्ठा मुझे पसंद था। अब बस ज़रा सा भोग के लिए बनाऊंगी। देखिए गोल, बादाम, काजू, और अब मैंने ये मखाने डाले, इन्हें भी हमने घी डाल दिया है, घी में भून लिया। फिर सबसे बाद में भूनेंगे गोला, किशमिश, चिरौंजी और ये मींग, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं भूननी, हल्की ही भूननी है। इसमें मैंने एक चम्मच घी और डाला, ये खरबूज के बीज, इन्हें भून लेते हैं। अब ये उड़ेंगे, इसलिए इन्हें हमें ढककर भूनना है। मैंने इसे प्लेट से ढक दिया, मिलती हूँ इन्हें भूनने के बाद। देखिए ये भून चुकी है, इसमें से टिक की आवाज़ आ रही है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ, अब डालूँगी गोला। देखिए अब ये गोले को भून लेती हूँ, इसी में मैंने चिरौंजी किशमिश डाल दिया, थोड़ा सा घी डालूँगी, ज़्यादा नहीं। देखिए मैंने ये सब मेवा भून लिया, इनकी जमाऊँगी पंजीरी, और ये गोला भी भून लिया, किशमिश, गोला, चिरौंजी, और इसका बनाऊंगी हरीरा। चलिए मिलते हैं पीसने के बाद। है ड्राई फ्रूट का, और मैं अंदाजे से इस कटोरी के हिसाब से मैंने ये 4 बॉल डाल दिए हैं, 3 हो गई अभी। एक गिलास भर के डालते हैं पानी। अब गैस ऑन करते हैं। चलिए मिलते हैं जब तक हमारा पाक तैयार हो रहा है। इसमें लगेंगे अभी 5-10 मिनट कम से कम, मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। ये फ्राई पैन मैंने रखा है, इसमें बनाऊंगी हरीरा। उसके लिए मैंने ये थोड़ी साबुत मेवा रखी है, थोड़ी सी पीस ली थी, अब वो बनाती हूँ हरीरा। चलिए हरीरे के लिए डालते हैं देसी घी, थोड़ा सा ही डालेंगे क्योंकि सारी मेवा हमने घी में ही भूनी है। ये हमारा व्रत का ही जीरा है, और हम अब डाल देंगे ये मेवा अपनी। इसमें गुड़ और चीनी दोनों पड़ती है, लेकिन मैं खाली चीनी डालूंगी आज। पानी डालते हैं, इसमें हमने 2 गिलास पानी डाला है, और ये चीनी डालना है 1 कटोरी। हम मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बनने के बाद। इधर हमारा सीरा, बस थोड़ी सी देर लगेगी। देखिए हमारा सीरप तैयार हो चुका है। कहते हैं 2 तार बने तो बिल्कुल रेडी है। देखिए ऐसे करने में भी ये रुक रुक के गिर रहा है, इसका मतलब हमारा सीरप बस अब 1-2 मिनट में रेडी हो जाएगा। ये देखिए मेरा हरीरा भी, मैंने गलती कर दी, नॉन स्टिक में रख दिया। ये लोहे की कढ़ाई में बनाओ तो बहुत अच्छा कलर आता है। इसमें मैंने सब पीस के मेवा डाली है, थोड़ी साबुत डाली है, देखते हैं कैसा बनता है। और ये थाली में मैंने घी लगा के रख लिया है, और ये बैटर उसमें डालूंगी सारा, चाशनी में। चलिए मिलते हैं अभी थोड़ी देर में, क्योंकि कैमरा पकड़ने वाला कोई नहीं है इस टाइम, मैं ही बना रही हूँ। पानी में डाले थे इस गिलास में 2-3 बूंद, तो ये ऐसे गोंद की तरह इकट्ठी हो रही है, ऐसे गोंद हो जाता है,
इसका मतलब हमारा बेटा तैयार है। और देखते हैं चाशनी भी दो तार की आई नहीं आई, डर लगता है हाथ हाथ देखे। ये हमारी चाशनी भी तैयार हो गई और देख। अब हम गैस को अपनी कम करके, हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार है। इसमें हम डालते हैं वो सारा ड्राई फ्रूट जो हमने पीस के रखा है। चलिए ये हमें डालना है इसमें और गैस को कम ही रखना है। हमें सब अच्छी तरह से मिलाना है और थाली भी रेडी रखनी है। इसलिए हमें प्लेट को तैयार करना है और ये हम अपना थाली में डालते हैं उठा के। जल्दी करना होगा। अब हम उनको कट करते हैं, देखते हैं काट के। देखिए ये मेरी पतली दही बनके तैयार हो गई। सही शेप में नहीं कटी है लेकिन सही है। और एक मैंने मिंकी ये बनाई है, ये जमने रखी है, अभी काट के फिर दिखाते। चलिए चलते हैं मंदिर, बांके बिहारी जी के मंदिर में चल रहे हैं। अगर वहाँ दर्शन हम लोगों को अच्छे से मिले और वहाँ करने दी उन्होंने वीडियो नहीं बनाने दी तो आप लोग को भी दिखाएंगे। चलिए चलते हैं मंदिर को, पूरी कोशिश करेंगे कि हम आप लोगों को भी बांके बिहारी जी के दर्शन कराएं। चलिए चलते हैं मंदिर में। चलिए दिखाते हैं मंदिर। और जब मंदिर के 1.5 किलोमीटर पहले से ही पुलिस लगी हुई है, गाड़ियां वहाँ बाहर खड़ी हैं। और चलिए आपको दिखाते हैं कितनी भीड़ है। ये है मंदिर जाने का रास्ता। कितनी भीड़ है तो बोलो जय श्री कृष्ण मुरारी की। और ये भी चल रहे हैं हमारे साथ। हम इनकी तबीयत सही नहीं है लेकिन इनको ले आए हमने, चलो दर्शन कर लेना। चलिए चलते हैं। देखते हैं दर्शन कराने को मिलते हैं या नहीं। बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा। हमें ही मिल जाए अच्छे से दर्शन, पूरा मेला ही लगा है। Thank you.
माँ के साथ बस खड़ी हो गई थी वहाँ पे, सब अपने आप पहुँच रहे हैं। और खुशी तुम्हें? बहुत हो गई। अच्छा सही बात है, भीड़ ही इतनी है। ये लोग दर्शन करके प्यासे हो चुके थे इसलिए कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। देखिए ये 12 बजने ही वाले हैं, हमारी तैयारी हो चुकी है सारी। चरणामृत बन गया, हरीरा, मिश्री, माखन, ये कतली, फल, झूला भी तैयार है बाल गोपाल जी के लिए। अब चलिए जन्म करते हैं उनका। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। देखिए अब हम अपने सारे ग्राम जी को निकालते हैं खीरे में से, और आज ये मौका इनको मिला है, इनकी तबीयत सही नहीं थी इसलिए आए हैं। ये लीजिए, आज इनके हाथों से भगवान जी का वो हो रहा है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आ। हाथी घोड़ा पाल की, कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे श्री कृष्ण जी। आओ बन्नू खिला लो लाला को। लो 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 लो, घोड़ा पाल की नंद के आनंद बेक न। चलिए मैं झूले में विराजमान करते श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव जिनारी। कमली आगे जाओ, ये हो कमल वाली ने कैसा जादू डाला, इसीलिए काला। सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। शिवांगी झूला झूला रही है, कोई गाना गाओ। बड़ा नट कट है कृष्ण कन्हैया, क्या करे यशो मैया। अब नैतिक गिफ्ट लाए कृष्णन जी को, लो भाई हैप्पी बर्थडे कृष्णा जी। शुगर फ्री चॉकलेट, ये देखिए नैतिक ने भगवान जी कितने सारे गिफ्ट दिए हैं। ये देखिए, ओहो हो, हैप्पी बर्थडे कृष्णा जी। नैतिक बोलो तो, हैप्पी बर्थडे। कितने खूब सारे गिफ्ट दिए भगवान जी को, है नैतिक? वो ने तो मेरे ही है। और क्या, चलिए आज का अपना ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। 12:30 होने वाले हैं, हमने भगवान जी की पूजा कर ली, सब कुछ हो गया। अब थोड़ी बहुत धूप पर जल चढ़ाएंगे जाके, और उसके बाद थोड़ा बहुत कुछ खाना पीना खाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा बाय बाय।